नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परीक्षा प्लस पे, जहाँ पे आज इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आज पहले लेक्चर में मैं संदीप सिंह आपको पढ़ाऊंगा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संबंध और उससे जुड़ी ही कुछ बातें, कुछ तथ्य। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लोअर पीसीएस मेंस में इकोनॉमिक्स और भारतीय इकोनॉमी की क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको और सभी विषयों में उसको कवर किया जा सकता है। क्योंकि लोअर्स मेंस में इकोनॉमिक्स स्टैंड अलोन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसकी बाकी चीज़ें मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। जैसे आपका आज का कोरोना का विषय हो गया, भारत का चीन के साथ जो झड़प है, ये सारी चीज़ें भी अर्थव्यवस्था पे अपना प्रभाव डालती हैं। मगर ये सब चीज़ें करंट से रिलेटेड हैं, इसलिए मोस्टली ये चीज़ें करंट में कवर हो जाती हैं। तो हमें जो मेन मेन चीज़ें इकोनॉमिक्स की पढ़नी है वो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि देर आर वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स ओनली, दो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी। सो यू हैव टू बेटर डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। हियर वी नीड टू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स सो दैट वी कैन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू लोअर्स मेंस। जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं लोअर्स मेंस में, वो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेनली बेस्ड थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पे, बेस्ड थे जो यूएनडीपी की रैंकिंग, डिफरेंट रैंकिंग्स होती हैं, डिफरेंट विकास सूचकांक होते हैं, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं यूएन और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की, उनके बेस्ड होते हैं। भारत सरकार की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं उन पे बेस्ड होती हैं, जैसे नरेगा हो गया आपका, और गरीबी उन्मूलन के दूसरे कार्यक्रम हो गए, मिड डे मील हो गया, और शिक्षा के क्षेत्र की सारी स्कीम्स हो गई। ये सारी चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर से भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में जो इकोनॉमिक्स के लिए ही डेडिकेटेड है। ये हैं कुछ टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे। सो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे उसको करंट से रिलेट करना है, क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है इसमें करंट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो हम इसमें अब आज के लेक्चर में इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे और नेशनल इनकम की अवधारणा को पढ़ेंगे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे ग्रोथ डेवलपमेंट, डिफरेंट इंडेक्सेस, इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या हैं हमारे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स में क्या क्या चल रहा है, ये क्या होता है ये अभी हम बताएंगे आपको। इंडस्ट्रियल नीड्स क्या है हमारी, क्या चीज़ें हैं जिनमें हमें अपने निवेश को बढ़ाना है, अपने अनुसंधान को बढ़ाना है, उसमें विकास को करना है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को, जब आप जाएंगे यहाँ से पास होंगे लोअर मेंस पास करके, जब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। जब भी हम किसी विषय के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले उसको परिभाषित करना चाहिए। अगर हमें परिभाषा के ज्ञान नहीं है तो हम भटकते रहेंगे, हमें पता नहीं रहेगा क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़ देनी है। इसलिए सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को परिभाषित कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र एक्चुअली होता क्या है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के बारे में, 10th तक तो पढ़ा ही होगा। अगर 11th 12th में आपने कॉमर्स या आर्ट्स छोड़ दिया होगा तो 10th तक तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा ही होगा, जिसमें हम अर्थशास्त्र की परिभाषा दो अवधारणाओं पर बनाते हैं। वो अवधारणाएं कौन सी हैं? पहली अवधारणा ये है कि अर्थशास्त्र जो है वो समाज किस तरह अपने दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है, इसका जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र कहलाता है।
दूसरा उदाहरण ये है कि व्यक्ति, सोसाइटी, सरकार, स्टेट और अन्य दूसरी संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह प्रभावित करता है, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अगर हम इन दोनों चीजों को ऐड कर दें तो इनका मिला रूप इस तरह से कहलाएगा कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं अर्थशास्त्र और की पढ़ाई में। किस तरह अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं, ऐसे विकल्पों का चयन कला भी है और विज्ञान भी है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग BSc इन इकोनॉमिक्स करते हैं, कुछ लोग BA इन इकोनॉमिक्स करते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि इकोनॉमिक्स अकेला सिर्फ कला का विषय नहीं है और इकोनॉमिक्स अकेला विज्ञान का विषय नहीं है, ये मिक्स है। तो आप इसमें विज्ञान भी खोज सकते हैं और इसमें कला भी खोज सकते हैं। मानव द्वारा चुने गए विकल्प जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं उनके अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब कि जो हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार जो हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उनका जो चयन करते हैं उसमें जो बदलाव होता है समय स्थान के साथ, उसका जो अध्ययन है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बात आती है कि जो संसाधनों का चयन कैसे किया जाए, तो संसाधनों के चयन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो हमें पता है कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो एक सीमित मात्रा में हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हों जैसे जल, वायु, फॉरेस्ट्री और दूसरे उत्पाद, या फिर फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे क्या हैं, सीमित मात्रा में हैं और इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो और इनके इस्तेमाल से बहुत तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं जिनके ऊपर हमारा मानव जीवन निर्भर करता है। इसलिए हमें ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको प्राथमिकताएं दें, उनको प्रायोरिटाइज करें और कैसे उन जो सीमित संसाधन हैं उनको अपनी प्राथमिकता के हिसाब से इस्तेमाल करें। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहीं पे जो लोग प्रायोरिटाइज कर लेते हैं वो सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपनी सारी आवश्यकताओं को कई बार पूरा कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसको कैसे कम किया जाए हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। मानव अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होता है। अब बात आती है कि जो ये सीमित संसाधन है ये सारी चीज़ें कैसे जो है उसके ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धन, मुद्रा। तो उस मुद्रा को कमाने के लिए जो भी हम गतिविधि करते हैं उसको नाम दिया गया आर्थिक गतिविधियाँ। तो जो मानव है रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की आर्थिक गतिविधियाँ करता है, इन गतिविधियों की अध्ययन भी हम अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आर्थिक गतिविधियाँ वो है क्या। तो वो सारी गतिविधियाँ जो हम अपने धनोपार्जन के लिए करते हैं जिससे कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे वो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। जैसे लाभ, हानि, आजीविका, पेशा, मजदूरी इत्यादि जो है आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। इन सब गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की कई शाखाएँ हैं और उनके तहत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ग्लोबल, मैक्रो और माइक्रो स्तर पर होता है। तो जब हम अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं तो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, उसको हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में, ग्लोबल, मैक्रो और माइक्रो। ग्लोबल का मतलब हो गया कि पूरा विश्व एज ए होल हम उसकी पढ़ाई करते हैं, मतलब कि पूरे के पूरे विश्व का क्या ग्रोथ है, पूरा का पूरा विश्व में जो मानव संसाधन है, मानव विकास है वो क्या है, जिसकी जो स्टडी है वो UN नेशंस करते हैं या कुछ जैसे एशियाई विकास बैंक हो गए वो करते हैं, तो वो ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक्स हो गई या ग्लोबल लेवल का अर्थशास्त्र हो गया। मैक्रो लेवल का होता है कंट्री स्पेसिफिक, कंट्री की नीतियाँ क्या, किसी एक पर्टिकुलर राज्य की नीतियाँ क्या हैं, अपने यहाँ उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए उसकी क्या नीतियाँ हैं, प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग की क्या नीतियाँ हैं और
जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की क्या नीतियां हैं, वो सारी चीजें जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे होता है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है, जो उपभोक्तावाद है, जो उपभोग करने की वस्तुएं हैं उनका कंजम्पशन कैसे हो रहा है, एक पर्टिकुलर आदमी कितना उपभोग कर रहा है, उसको उपभोग करने की जरूरत कितनी है, इन सब चीजों का जो अध्ययन है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की। अभी हमने पिछले वाले स्लाइड पे पढ़ा कि जो गतिविधियां हैं वो मानव करता है और एक अर्थव्यवस्था में करता है। तो अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र जो है वो हमें कई सारे सवालों के जवाब देता है और हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर समस्या इस पर्टिकुलर सिद्धांत के तहत हल की जा सकती है। तो अब अर्थव्यवस्था जो है वो उन सिद्धांतों के प्रतिपादन के बाद की वास्तविक तस्वीर जो होती है वो हमें अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था अपने आप में संपूर्ण शब्द नहीं है। अर्थव्यवस्था अगर हम कहीं कहें कि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है किसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो हमें उस संपूर्ण करने के लिए उसके आगे एक और शब्द लगाना पड़ता है जो किसी स्थान विशेष का नाम होता है, जैसे घर की अर्थव्यवस्था, सोसाइटी की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से। तो जब हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मीन्स अब ये संपूर्ण शब्द है कि अर्थव्यवस्था किसकी? भारतीय अर्थव्यवस्था। अब कोई सवाल नहीं होगा, मतलब अब हम कुछ भी बात आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां। अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां, तो ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था तो है, अर्थव्यवस्था तो है और अर्थशास्त्र से उसका संबंध इस प्रकार है कि वो उन सब सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में या एक पर्टिकुलर घर में। लेकिन उसकी चुनौतियां क्या हैं? तो कहीं की भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो देश की हो, विश्व की हो, घर की हो, सोसाइटी की हो, उन सबकी एक ही चुनौती है कि कैसे वो वस्तुओं और सेवाओं की, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कराए उस पर्टिकुलर रीजन में। अगर राज्य है तो वो कैसे अपनी पूरी जनसंख्या के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है, अगर सोसाइटी है तो अपने सोसाइटी के लिए कैसे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है, एक घर है तो उस घर में कैसे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उस घर का स्वामी कैसे उपलब्ध कराता है, ये सारी मुख्य चुनौती है किसी भी अर्थव्यवस्था की। अब बात आती है कि आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं और गैर आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं। तो आवश्यक वस्तुएं वही हैं, भोजन, आवास और वस्त्र, रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये आवश्यक वस्तुओं की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है और आदमी समृद्ध हो जाता है कि ये तीनों चीजों की जरूरत अब हमको, मतलब अगर हमें भविष्य में इन सारी इनकी जरूरतें हम आसानी से पूरी कर सकते हैं, इस बात पे अगर वो श्योर हो जाता है मतलब, तो उसकी गैर आवश्यक मद में जरूरतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब अब उसे रेफ्रिजरेटर चाहिए, टीवी चाहिए, कार चाहिए, फिर ये सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर उसे घूमना चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, उसे विदेश भ्रमण भी चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे जरूरतें जो है एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। सेवाओं में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर उच्चतर सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट, आज की डेट में अगर इंटरनेट ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो एक अर्थव्यवस्था, या यूं कहें कि एक जो राज्य है वो, या फिर सोसाइटी है, या फिर घर जो है वो सामना करती हैं। अब बात जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होती है, इसकी जरूरतें लगातार अपने अगले चरण को बढ़ती रहती हैं। तो ये एक अनवरत क्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। मान लीजिए कि एक देश है जो विकासशील था, अब विकसित हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका अभी विकसित देशों की लिस्ट में आता है, तो हम कहें कि क्या उसकी आवश्यकताएं खत्म हो गई हैं? नहीं, उसकी आवश्यकताएं खत्म नहीं हुई, एक अनवरत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। एक स्टेज की जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि वहां पे अब हाई स्पीड ट्रेन है, इंटरनेट है, 5G है, सब कुछ है,
तो वहां के लोग चाहते हैं कि अब हम मंगल ग्रह पर जाएं, वहां के लोग चाहते हैं कि हम चांद पे घर बनाने के लिए वहां पे प्लॉट खरीदें, तो अभी नई लेवल की आवश्यकताओं का शुरुआत हुई। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे अभी भी हमें हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवहन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ये सारी हमारी आवश्यकताएं हैं। तो ये भी जो है आवश्यकताएं जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बदलती रहती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं कुछ हैं, अमेरिकन अर्थव्यवस्था की जरूरतें कुछ हैं, रशियन की कुछ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे सारी अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियाँ समान होती हैं। जैसे आज की डेट में अगर बात करें तो हर अर्थव्यवस्था आतंकवाद के खतरे से जूझ रही है, तो ये क्या हो गई, कॉमन चुनौती है जो सारे के सारे लोग एक दूसरे, मतलब सारी सारी अर्थव्यवस्था इस चुनौती से जूझ रही है। तो अब इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए राज्य, राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं, राज्य का मतलब वो एक नियामक जो उस पूरे रीजन में शासन करता है या उस पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था को संभालने में उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, उसे हम राज्य कहते हैं या सरकार बोलते हैं हम उन्हें। उसकी भूमिका का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राज्य की मेनली तीन जो है भूमिकाएं आती हैं। पहला है नियामक के रूप में, रेगुलेटर के रूप में। बेसिकली मतलब यह है इसका कि जब भी कोई आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो ऐसे तो हो नहीं सकती हैं, उसके लिए हमें कुछ नीतियां चाहिए, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी चाहिए, ये देखने के लिए कि वो पूरी नीतियां एग्जीक्यूट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, उनका प्रतिपादन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए हमें एक गवर्निंग बॉडी की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमें स्टेट बनाना पड़ता है, एक ऐसी बॉडी तैयार करनी पड़ती है जो इन सब चीज़ों को देख सके। तो स्टेट की पहली भूमिका हो गई नियामक की, जो आर्थिक गतिविधियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। ठीक, आर्थिक गतिविधियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। दूसरा है उसका, जो दूसरी भूमिका है राज्य की, वो है निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादनकर्ता और आपूर्तिकर्ता के रूप में। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो अपने नागरिकों को ये सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराता है, उसका उत्पादन करता है और फिर उसको आपूर्ति करने के लिए उस तरह का तंत्र विकसित करता है। अब कितने मूल्य पे किया जाए उसको, कि राज्य जो जनसंख्या, जो नागरिक हैं वो उसको उचित मूल्य पे उसको पाएं, उसका उपभोग करें, ये सारी चीज़ें दूसरे नंबर पे आती हैं। तीसरा है लोग वस्तुओं या सामाजिक वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता की भूमिका। निजी वस्तुएं हो गई जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे उसकी उसके पर्सनल ग्रोथ की चीज़ें हो गई। लोग वस्तुओं का मतलब हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आवास और दूसरी सुविधाएं जो कम्युनिटी लेवल पे दी जाती हैं, उन्हें हम लोक वस्तुएं बोलते हैं या सामाजिक वस्तुएं बोलते हैं, जो एक कम्युनिटी लेवल पे यूज की जा सकती हैं। तो इनकी भी आपूर्तिकर्ता की जरूरत, इनकी भी जिम्मेदारी जो है वो राज्य की होती है, राज्य इन चीज़ों को अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये तीन मेन भूमिकाएँ होती हैं राज्य की किसी भी अर्थव्यवस्था में। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्गीकरण। जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या है या प्रॉब्लम है, हम उस उतने बड़े प्रॉब्लम को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको वर्गीकरण कर देते हैं, उनको छोटी छोटी डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका अध्ययन करते हैं। जैसे होता क्या है कि वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था को भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने आप में, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एंटिटी है, तो इसको हम पूरा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। हर जगह क्लासिफिकेशन का अपना महत्व होता, वर्गीकरण का अपना महत्व होता है। तो जो हमने भूमिका पढ़ी है अभी राज्य की अर्थव्यवस्था में, उसके हिसाब से अगर देखें तो हम कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका कॉन्सेप्ट हमें एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस से मिलती है। हुआ क्या कि उन्होंने कहा जो सरकारें हैं उनका हस्तक्षेप बाजार में बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि बाजार अपने आप में सफिशियंट है
किसी भी आर्थिक गतिविधियों के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने में। तो इससे क्या होगा, अगर सरकार का हस्तक्षेप कम होगा, लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं उसको, नौकरशाही, अगर वो कम होगी तो बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, पूंजीपति लोग अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी होगी, तो नए अन्वेषण होंगे, नया इनोवेशन होगा, नई चीज़ें आएंगी, तो बाजार क्या है बहुत तेजी से विकास करेगा और अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से फैलेगी। तो एडम स्मिथ के इन विचारों को, अमेरिकन चीज़ों, इन विचारों को आत्मसात कर लिया, अपनी नीतियों में उसको उसने उतारा और अमेरिका जो है वो पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना। बाद में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज ने भी उनको अपने अंदर आत्मसात कर लिया और यूरोपियन कंट्रीज के देश भी जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गए। मगर इसकी भी कुछ खामियां थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी कुछ खामियां थी। जब से सबसे पहली खामी ये थी, अच्छाइयां भी बहुत सारी थी क्योंकि इनोवेशन से स्टार्ट हो गए, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास होने लगा, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन खामी ये थी कि जो पूंजी का प्रवाह था वो यूनिडायरेक्शनल हो गया, मतलब आम लोगों से धीरे धीरे पूंजी जो है एक जगह इकट्ठी होने लगी, कुछ ही लोग थे जो सिर्फ पूंजी के मालिक थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि जो राज्य था, जो स्टेट था, उसका इंटरवेंशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना के बराबर हो गया, मतलब अब उसका जो नियामक का रोल था वो बहुत मिनिमल हो गया, यानी कि सारी चीज़ें बाजार के हाथ में हो गई थी। तो अब इन चीज़ों के विरोध में एक नई अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया, कार्ल मार्क्स ने जो है इसका प्रतिपादन किया और वो था राज्य अर्थव्यवस्था। उनका कहने का मतलब था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें जो पूंजीपति हैं वो गरीबों को खा लेते हैं, मतलब कि जो बेरोजगार है या जो कम धनी आदमी है वो और कम धनी आदमी बनता जाएगा और जो पूंजीपति हैं जिनके पास कंट्रोल है, पावर है, वो और ज़्यादा ही शक्तिशाली और धनवान बनते जाएंगे। तो इनका कहने था कि उन बेरोजगारों को बचाने के लिए हमें या फिर सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को ही उत्पादनकर्ता के रूप में काम करना चाहिए, सरकार को ही आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करना चाहिए, जिससे कि जो धन है, जो संसाधन है, वो सब में इक्वली बट जाए, यानी समाजवाद आ जाए। तो राज्य अर्थव्यवस्था को हम कभी कभी समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी कहते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का अगर नाम लें तो सबसे पहले नाम आता है रसिया का, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो नाम आता है चीन का। अब दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा सा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का किसी भी संसाधन पर कंट्रोल नहीं रहता है, उसका काम होता है चीज़ों का उत्पादन और आपूर्ति, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, इवन श्रम संसाधन पर भी उसका पूरा कंट्रोल होता है। तो ये डिफरेंस है समाजवाद और साम्यवाद में। चीन में क्या है, साम्यवाद है, वहाँ की सरकार का पूरा कंट्रोल है पूरी अर्थव्यवस्था पे, कोई भी आदमी अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं कर सकता है, सरकार चाहेगी जितनी मात्रा में उतनी ही मात्रा में वहाँ के नागरिक उपभोग कर सकते हैं। जबकि सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या है कि नागरिकों का पूरा अधिकार जो है नागरिकों का होता है, वो जितना चाहें उतना उसका उपभोग कर सकते हैं। क्यूबा भी एक उदाहरण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, लेकिन इसकी भी अपनी खामियां हैं। जो खामियां हैं वो इस तरह के ही हैं कि नागरिक जो है चूंकि अपने आप को मालिक समझने लगते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं। उनका मानना होता है कि काम करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन सरकार काम कैसे करेगी, उसके लिए श्रम तो हमें नागरिकों से ही लेना पड़ेगा। अब क्या होता है, चूंकि सरकार जो है कराधान जो है बहुत कम करती है, उसकी आमदनी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अर्थव्यवस्था फेल कर जाती है, जिससे इस समय मैक्सिको, क्यूबा और दूसरी जो इकोनॉमीज हैं या अर्थव्यवस्थाएं हैं वो फेल हो रही हैं। सिर्फ इसलिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यूनान भी अब डिफॉल्ट के कागार पे आ गया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे सब समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और नागरिकों का जो कर्तव्य है वो बहुत कम था, अधिकार बहुत ज़्यादा दिए गए थे। तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए प्रोफेसर जॉन एम केन्स आए, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का
मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी। हुआ यूं कि 1929 में पूरा विश्व जो है वो एक बहुत बड़े बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री जैसे सभी देश उसमें उसकी चपेट में आ गए और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसको हल करने में नाकाम साबित हुई। एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार के पास एक दो अदृश्य हाथ हैं जो किसी भी उतार चढ़ाव को संभालने में सक्षम है, लेकिन उस आर्थिक मंदी में ये एकदम फेल हो गए। और उसका कारण क्या था? कारण बहुत ही सीधा सा था कि जब पूंजी का प्रवाह एक डायरेक्शन में हो गया, सारा पूंजी इस तरफ बहने लगा, यहाँ पे मुट्ठी भर लोग थे जो उस पूंजी को उस पूंजी का स्वामित्व करते थे, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है इनका जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे घटने लगी। अब घटने लगी तो जो बाजार में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनका उपभोग भी घटने लगा। जो यहाँ से जो चीज़ें उत्पादित होकर बाजार में जाती थी वो बिकती नहीं थी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि आदमी जो है बाजार से दूर हो गया, जो आम नागरिक था वो बाजार से दूर हो गया, और ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो एकाएक जीरो हो गई और पूरा का पूरा विश्व है आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। तो इस तरह की स्थिति बाद में फिर ना आए, इसके लिए प्रोफेसर जॉन एम कैंस ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा पेश की। इसमें क्या कहा उन्होंने कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी बातें हैं और जो राज्य अर्थव्यवस्था की अच्छी बातें हैं इनको हम मिला दें और इनकी जो बुरी बातें हैं उनको हम हटा दें। उन्होंने कहा कि राज्य का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, राज्य और पूंजीवादी दोनों ही समांतर उद्योग लगाएं और समांतर उत्पादन करें और समांतर उनकी आपूर्ति करें नागरिकों को। इससे क्या होगा? एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा बाजार में। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, आप देखिए जब यहाँ पे कुछ ही लोग जब पूंजी को कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, और प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहा अच्छी चीज़ों को, गुणवत्ता वाली चीज़ों को बाजार में पहुंचाने की, और मनमाने रेट पे बेचने की आज़ादी हो गई। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा रहेगी, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं जियो ने कितना कंपटीशन क्रिएट कर दिया पूरे मार्केट में, और उससे जो है जो इंटरनेट डेटा है वो कितना सस्ता हो गया। तो कहने का मतलब है जब मिश्रित अर्थव्यवस्था रहती है तो बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती है, जिससे क्या होता है चीज़ों के दाम अकस्मात बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते हैं और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की कमी ये थी कि यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी थी कि यहाँ पे चीज़ें मनमाने दाम पे बेची जाती थी, जिनका हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था में निष्पादन कर दिया। तो धीरे धीरे जो देश थे, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हों, या समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हों, चाहे रूस हो चाहे चाइना, धीरे धीरे ये भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट कर गए। और आप देखिएगा कि चीन की अगर आप ग्रोथ पढ़ें तो जब वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा तभी उसका ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा, जब तक वो साम्यवादी व्यवस्था में था उसका ग्रोथ रेट बहुत कम था। भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया, क्योंकि इसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा थी और कमियाँ बहुत ही कम। अब बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के घटक की या क्षेत्रों की। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो भारत की हो या रूस की हो, तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे रूप में प्राप्त करते हैं। बेसिकली जो कृषि कार्य होता है, जो मछली पालन हो गया, खनन और उत्खनन का कार्य हो गया, ये सब हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। तो वो अर्थव्यवस्थाएं द्वितीयक क्षेत्र में क्या करते हैं, जो हमने कच्चा माल प्राप्त किया प्राथमिक क्षेत्र से उसको हम द्वितीयक क्षेत्र में उसका मूल्य संवर्धन करते हैं, उसमें और हम गुणवत्ता बढ़ाते हैं और कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस से, जिससे कि उसका मूल्य बढ़े, साथ साथ में उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो जो वैल्यू एडिशन होता है उसको बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन आदि चीज़ों से जानते हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये प्रोसेसेस जो हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण जिसको बोलते हैं, विनिर्माण, निर्माण और बहुत सारी चीज़ें, उन्हें हम द्वितीयक क्षेत्र में डालते हैं।
तृतीय क्षेत्र, वह तृतीय क्षेत्र बेसिकली सेवा क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीयक क्षेत्र, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कुछ सेवाओं की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा उदाहरण अगर लें तो आपके घर में आपने खेतों में गेहूं उपजाया, अब आपको उसे गेहूं उपजाया वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। अब गेहूं को आप ऐसे तो खा नहीं सकते हैं, या तो उसका बिस्किट बनाइए या ब्रेड बनाइए या चपाती बनाइए या और कोई दूसरी चीज बनाइए। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है उसका, ब्रेड में कन्वर्जन या बिस्किट में कन्वर्जन या फिर रोटी बनाने का कार्य, ये जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तो अब उस गेहूं को द्वितीयक क्षेत्र में यूज करने लायक हमें करना है, तो उसके लिए हमें सेवा लेनी पड़ेगी चक्की के आटे की, और चक्की चक्की वाले की हमें सेवा लेनी पड़ेगी। तो ये जो सेवा उसने दी वो क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र का सदस्य हो गया, जो सेवाएं उसने दी। अब हमें पानी की आवश्यकता है, तो पानी की सप्लाई हमें म्यूनिसपैलिटी से मिली, म्यूनिसपैलिटी ने क्या दिया, हमें सेवा दी, तो ये तृतीयक क्षेत्र हो गया। हमें गैस की सुविधा चाहिए, गैस चाहिए उसको जलाने के लिए, तो गैस हमें इंडियन ऑयल देती है, पुरस्कृत सिलेंडर जो है इंडियन ऑयल या BPCL ये लोग देते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, हमें सेवा दी, वो गैस हमको सेवा कर, क्योंकि गैस इनका नहीं है, गैस जो है वो सरकार का है, ये सिर्फ बीच में सेवा कर रहे हैं, किसकी, हमारी सरकार की तरफ से। तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। अब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्थाएं जिनमें इनका डोमिनेंस होता है, जिनमें इनकी जो अर्थव्यवस्था में इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है, उसके बेसिस पे भी हम अर्थव्यवस्था को पारिभाषित या वर्गीकृत करते हैं। वो होती हैं कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था जैसे कि हमने बताया, उसमें कृषि का जो भाग है अर्थव्यवस्था में वो 50% से ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित इकोनॉमी है या कृषि अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत जो है 1990 तक एक कृषि प्रधान देश था, कृषि अर्थव्यवस्था था, क्योंकि इसकी कम से कम 76% की हिस्सेदारी थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। औद्योगिक अर्थव्यवस्था जहाँ पे द्वितीयक कार्य बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स काफी बनाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कोरिया हो गया, इनके यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बट ये जो है रॉ मटेरियल दूसरी जगहों से जैसे भारत, चीन, वियतनाम, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके उसको एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट में बना के वापस इन्हीं देशों को बेच देते हैं। तो ये क्या हो गई, औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो गई। तीसरा जो होता है वो सेवा अर्थव्यवस्था है, जिसमें क्या है, सेवाओं का व्यापार ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कम है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, बट क्या है, वहाँ पे सेवा ज्यादा है। जैसे कि 1990 के बाद से भारत में जो है सेवा क्षेत्र का विस्तार काफी हुआ, मतलब हम कृषि प्रधान देश थे, उसके बाद सीधे ही हम सेवा प्रधान देश की तरफ अग्रसर हो गए। रीजन बीइंग क्योंकि हमारे यहाँ विनिर्माण क्षेत्र में बहुत ही कम निवेश हुआ, और चूंकि सेवा क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता बहुत कम होती है, हमारे यहाँ के उद्यमियों ने उसको पकड़ लिया और सेवा क्षेत्र में काफी विस्तार किया। तो हम अब सेवा आधारित इकोनॉमी है, हालांकि अब हमारी जो सरकार है वो फिर से विनिर्माण के क्षेत्र में अब निवेश बढ़ा रही है, जिससे कि हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ भी मूव करें, और हमारा जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए वो कम की जा सके। तीसरा जो वर्गीकरण है वो आय के आधार पर करते हैं, जैसे न्यूनतम आय अर्थव्यवस्था, मध्यम आय अर्थव्यवस्था, उच्च आय अर्थव्यवस्था। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व बैंक ने निर्धारित कर दिया कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में $1,035 से कम प्रति व्यक्ति आय है तो वो न्यूनतम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगी, किसी अर्थव्यवस्था की आय अगर 1,035 से 4,098 होती है, 96 होती है डॉलर प्रति व्यक्ति आय, तो वो मध्यम अर्थव्यवस्था होगी, और 4,098 से 96 से ज्यादा अगर है तो वो जो है वो अर्थव्यवस्था उच्च आय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में जानना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, अगर किसी राष्ट्र की
हमें तरक्की के बारे में पढ़ना है, तो वो कितनी आय करता है, उसके यहाँ जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है, तो वो सब जानने के लिए हमें उसकी आय कितनी है ये जानना जरूरी है। हालांकि मानव विकास सूचकांक सिर्फ आय पे निर्भर नहीं करता है, वहाँ के लोग कितने स्वस्थ हैं, वहाँ की शिक्षा, समाज में शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य की सेवाओं का स्तर क्या है, वहाँ पे सुरक्षा की स्तर क्या है, इन सब बातों पे भी मानव विकास सूचकांक निर्भर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है वो है कि वहाँ की आय क्या है। अगर आय ज़्यादा है तो ये एजम्पशन है कि अगर आय ज़्यादा है राष्ट्र की तो वहाँ के नागरिकों की भी आय ज़्यादा होगी। इसीलिए जो विकास या मानव विकास का जो केंद्र है वो आय को मान लिया गया। अब हम किसी देश की आय को किस प्रकार नापते हैं, तो उसके लिए हम 4P का इस्तेमाल करते हैं, GDP, NDP, GNP और NNP। किसी भी देश की आय को आकलित करने के लिए हम ये 4 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और NNP मीन्स शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के रूप में होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। अगर कहें GDP, NDP, GNP और NNP सब एक हैं तो नहीं, ये चारों शब्द एक नहीं हैं, ये अलग अलग होते हैं और हर देश के लिए अलग अलग होते हैं और अपने खास अंदाज में उस देश का विश्लेषण करते हैं। अब आते हैं GDP पे। GDP क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, जैसा कि नाम ही बता रहा है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब वो सारी आर्थिक गतिविधियाँ जो हम किसी देश समाज के बाउंड्री के अंदर करते हैं और उससे जो हम धन और जो मूल्य अर्जित करते हैं वो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब ये अंतिम मौद्रिक मूल्य का क्या मतलब है? ये वो मतलब है कि जब कोई वस्तु हमने उत्पादित की उसमें फर्दर और वैल्यू एडिशन का कोई चांस ना रह जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अब फाइनल हो गया। तो उस फाइनल प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है उसी का इस्तेमाल हम करते हैं GDP के कैलकुलेशन में। अब भारत में जो ये एक साल है वो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में लेते हैं और इसी के बीच में जो भी गतिविधियाँ होती हैं आर्थिक, उनको हम आकलन GDP के लिए करते हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, निर्यात आयात की योगफल को हम लेते हैं जिससे कि GDP निकलता है। देश के बाहर उत्पादित आयात व्यय तथा उन देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य जुड़ाता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया। अब इसका इस्तेमाल क्या है, GDP का जो उपयोग है वो क्या है? GDP बेसिकली बताती है कि जो हमारा जो कोई भी देश है उसकी ग्रोथ रेट क्या है। जितनी हिसाब से GDP बढ़ेगी उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था की भी ग्रोथ होगी। मान लीजिए कि अगर इस साल देश की GDP या घर की GDP जो है 107 रुपये है और पिछले साल से ये 7 रुपये ज़्यादा है, मतलब पिछले साल अगर 100 रुपये थी, इसका मतलब वह GDP हमारी 7% बढ़ी, तो हम ये भी कहेंगे कि अर्थव्यवस्था भी हमारी 7% बढ़ी इस तरीके से। और जब किसी देश में GDP की ग्रोथ रेट पॉजिटिव होती है तब हम कहते हैं कि वो अर्थव्यवस्था ग्रोइंग अर्थव्यवस्था या ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब कि आय जो है वो परिणात्मक रूप से बढ़ रही है। अब इस दृष्टि से जो है हम ये भी बताते हैं उस पर्टिकुलर देश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, उसकी शक्ति क्या है, आंतरिक शक्ति क्या है। हालांकि इससे हमें उनकी गुणवत्ता नहीं पता चलती है, लेकिन हम एक मोटा मोटा उसकी शक्ति का हम आकलन GDP से कर सकते हैं। दूसरा बात आता है NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद होता क्या है भाई? मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने एक कार बनाई तो 31 मार्च को उस कार की कीमत वही नहीं रहेगी जो 1 अप्रैल को थी, उसमें कुछ ह्रास होगा, कुछ डेप्रिसिएशन होगा। तो GNP ये NDP जब हम कैलकुलेट करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम डेप्रिसिएशन जो भी होता है हमारे फाइनल वैल्यूज में उसको हम
माइनस कर देते हैं, मतलब कि जो एनडीपी होता है वो होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि क्या एनडीपी हमारी, सवाल ऐसे पूछ सकता है कि किसी देश की जीडीपी इतनी है, अब आप बताइए उसकी एनडीपी कितनी होगी, जीडीपी से ज्यादा, जीडीपी से कम, जीडीपी के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और बताएंगे कि एनडीपी जो है वो हमेशा जीडीपी से कम होगी। इसका कारण क्या है कि जो ये डेप्रिसिएशन है यह कभी जीरो नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब यहां पे कुछ तो वैल्यू होगी, मान लो 0.01 भी होगी तब भी जीडीपी से ये कम हो जाएगी, 0.001 कम हो गई एनडीपी जीडीपी से। तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो ये उसका आंसर होगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये हर एक देश का अपना अलग अलग मेथड होता है जिससे कि वो डिसाइड करते हैं। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो सरकार निर्धारित करती है, जैसे किसी घर के डेप्रिसिएशन की जो जो दर है वो अलग है, किसी का ऑटोमोबाइल की जो डेप्रिसिएशन की दर है वो अलग है, किसी चेयर या मोबाइल या और किसी वस्तुओं का डेप्रिसिएशन की दर अलग अलग होती है, और ये हर अर्थव्यवस्था के यहाँ अलग अलग होती है। हालांकि हर अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि जो डेप्रिसिएशन की दर है वो कम से कम रखी जाए। और जब हम व्यापार की बात करते हैं, एक देश से दूसरे देश की व्यापार की बात, तब ये डेप्रिसिएशन जो उस मुद्रा के एक देश से दूसरे देश या बाजार में प्रचलित व्यापारिक मुद्रा के सापेक्ष उस मुद्रा का जो अवमूल्यन या मूल्यन जो होता है उसके रिस्पेक्ट में ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना भी घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है उस हिसाब से हमारा ये डेप्रिसिएशन तय होता है। अच्छा, अब मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है वो कई बार फायदे का सौदा होता है, कई बार घाटे का सौदा होता है। मान लीजिए अगर आप अपने यहाँ से सेवाओं और वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और आपकी मुद्रा अवमूल्यित है तो आपको फायदा होगा। जैसे कि आपने अपने यहाँ 100 रुपये का सामान बनाया लेकिन बाजार में $1 की कीमत है 75 रुपये, तो आपको जो है जब आप उसको बेचेंगे बाजार में तो आपको $1 समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अब मुद्रा की कीमत जो है घट गई, तो अब पहले तो आपने जो है 1.05 रुपये का जो है सामान बनाया था, लेकिन जब आपने उसको वहाँ बेच दिया, जब वो वहाँ पे तो उन्होंने आपको डॉलर के टर्म में पे किया, जब आप उसको आप कन्वर्ट कराएंगे तो चूंकि मुद्रा की कीमत घट गई है आपको रिटर्न में हो सकता है कि 100 की जगह 120 रुपये मिले। तो इस तरीके से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और हमारी मुद्रा की कीमत गिर रही है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होता है। अब बात आती है कि एनडीपी का अलग अलग प्रयोग क्या है। जैसे हमने जीडीपी का पढ़ा कि वो हमारी आर्थिक ताकत को दर्शाता है, एनडीपी का क्या इस्तेमाल है, इससे जो होता है हम ये देखते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है उससे होने वाले नुकसान को कितना है और हम कितना कम करने की आवश्यकता है, और ये भी बताता है कि जो समयावधि है 1 साल की उसमें उद्योग धंधे और कारोबारों ने अलग अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा, उसकी स्थिति क्या है वो भी हमें एनडीपी से पता चलती है। अब डेप्रिसिएशन कम करने के लिए हमें अनुसंधान और विकास करना होगा, तो अगर डेप्रिसिएशन किसी तरीके से किसी ने कम कर लिया है, किसी अर्थव्यवस्था ने, किसी देश की अर्थव्यवस्था ने, इसका मतलब उसने अनुसंधान और विकास पे ज्यादा ध्यान दिया है, यानी उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है अनुसंधान और विकास कर रही है, अनुसंधान को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो एनडीपी से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब बात आती है जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने क्या बात की, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, अब बात आती है नेशनल प्रोडक्ट की। नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, हम उन सारी चीजों को भी इंक्लूड करते हैं जो हमारी बाउंड्री के बाहर होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके देश से कुछ लोग बाहर काम करने गए, वहां से उन्होंने पैसा कमा के विदेश में भेजा, तो ये भी हमारी आय हो गई, उस देश की आय हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो उस देश की आय में जोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए हमारे देश ने किसी को ब्याज पे जो है कर्जा दिया, तो जो ब्याज का अर्जन है वो भी हमारी आय हो गई,
तो वो भी हम इसमें जोड़ेंगे। विदेशी अनुदान, जैसे हमारे बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बाल विकास परियोजना है, हमारी जो मिड डे मील परियोजना है और दूसरे कुपोषण को खत्म करने की परियोजना है, बहुत सारे वैक्सीनेशन की जो परियोजना है, इनके लिए हमें विदेशी अनुदान मिलता है, तो वो भी हम आय की श्रेणी में ही रखते हैं। जब इन तीनों को जोड़ा जाता है तो वो हमें बताता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बात आती है कि हम सिर्फ कर्ज देते ही नहीं हैं, हमें कुछ कर्ज लेना भी होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क परियोजना है, भारतमाला परियोजना, सब सागरमाला परियोजना है, उन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जो हम अपनी इकोनॉमी से नहीं लगा सकते, तो हमें किसी न किसी संस्था से कर्ज लेना पड़ता है। जैसे हमारा WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशिया विकास बैंक हो गया, इन सब संस्थाओं से हम कर्ज लेते हैं, तो इस पर हमें ब्याज भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमें ब्याज मिला और जो ब्याज हमने दिया, उसका जो डिफरेंस, उसका जो सम है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब भारत की अगर बात करें तो ये जो ब्याज जो हमें मिला और जो ब्याज हमने दिया, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और निगेटिव है, तो हमारा जो GNP है कई बार वो कम हो जाता है। मगर जो हमारा निजी प्रेषण या प्राइवेट रिमिटेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि दुनिया में पहले नंबर पर भारत है जो विदेशी मुद्रा को बहुत ज़्यादा अर्जित करता है, दूसरे नंबर पर शायद चाइना है जो विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो खाड़ी देशों में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करते हैं और वहाँ से डॉलर टर्म्स में पैसे अपने देश में भेजते हैं, और चूँकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत कम है, 75 रुपये का एक डॉलर मिलता है, तो रुपए के टर्म में वो पैसे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब GNP का क्या फ़ायदा है भाई? GNP का उपयोग क्या है? इससे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली होता है कि किसी भी देश की क्रय करने की शक्ति कितनी है, तो जितना ज़्यादा बड़ा GNP होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्रय करने की शक्ति होगी, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है। सबसे पहले स्थान पर चीन है, फिर USA है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन अगर मुद्रा विनिमय की दर की बात करें तो उस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यह इस्तेमाल होता है हमें परचेजिंग पावर पैरिटी के कैलकुलेशन में, GNP का इस्तेमाल हम करते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हम जो विदेशों में से जो आय अर्जित करते हैं उसका भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, तो जो GNP का जो दायरा है वो GDP से कहीं ज्यादा है, तो ये जो राष्ट्रीय आय को आंकने के हिसाब से GNP कहीं ज्यादा मुफीद है बजाय GDP की। इससे हमें किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में भी मदद मिलती है। जैसे कि यह बताता हमें कि बाहरी दुनिया का कोई भी देश हमारे किस खास उत्पाद पर निर्भर है, या फिर जो हमारे जो पर्टिकुलर उत्पाद है वो दुनिया के कितने देशों पर निर्भर करता है। जैसे हमारा IT सेक्टर है वो दुनिया के बहुत सारे देशों पर निर्भर करता है, सबसे ज़्यादा अमेरिकन कंट्रीज पर निर्भर करता है, तो अमेरिका में जब कभी भी मंदी आती है तो हमारे देश का IT सेक्टर धड़ाम हो जाता है, गिर जाता है, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है, मतलब उसके शेयर प्राइस गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो IT सेक्टर है वो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो GNP है वो एक अर्थव्यवस्था की दूसरी अर्थव्यवस्था से रिश्तों की भी बात करता है, कैसे रिलेशनशिप्स हैं वो भी उस पर रोशनी डालता है। अब बात आती है NNP की, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हमने GDP में बात की थी कि GNP निकालते हैं, उसमें हमने क्या किया था, NDP निकालते हैं, उसमें क्या किया था, हमने जो डेप्रिसिएशन था वो इंक्लूड किया था, GNP में हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया। तो अब NNP निकालने के लिए हम फिर वही डेप्रिसिएशन इसमें इस्तेमाल करेंगे,
तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर ऐसे कहें तो एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से होने वाली आय माइनस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, ह्रास बोलते हैं, मुद्रा ह्रास। अब एनएनपी का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए। कैसे? जो हमारी जो एनएनपी है वही ही हमारी राष्ट्रीय आय है, एक्चुअल जो नेशनल इनकम होती है वो एनएनपी होती है, जितना ज्यादा एनएनपी उतनी ज्यादा राष्ट्रीय आय। और जब हम इसको जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो जो निकल के आता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। अब डॉलर टर्म में अगर ये प्रति व्यक्ति आय 1035 से ज्यादा है, 1035 से कम है, तो वो अर्थव्यवस्था न्यून आय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर ये जो प्रतिफल है ये 1035 से 4096 के बीच में आता है तो मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर 4096 से 12088 के बीच में आता है तो ये उच्च आय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी थोड़ा भ्रामक है। होता क्या है कि मान लीजिए एनएनपी प्रति व्यक्ति आय से हम अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है, इस हिसाब से हम न्यून आय अर्थव्यवस्था में आते हैं। लेकिन एक छोटा सा देश है माल्टा, वहाँ की जो एनएनपी है वो बहुत कम है, लेकिन चूंकि वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 2.5 करोड़ है तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर हम कहें तो मुश्किल से कहीं $1,000 या $800 के आसपास आती है पर एनम। वहीं पे ही अगर माल्टा की बात करें तो उनकी प्रति व्यक्ति आय करीब $16,000 के आसपास है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, वो इसलिए नहीं कि उनकी जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आगे आपको हम इन सारी चीज़ों के शुद्ध नोट्स उपलब्ध करा देंगे PDF के फॉर्म में, जिससे आप पढ़ के आप आसानी से इन चीज़ों को आत्मसात कर सकते हैं, आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के स्लाइड्स में हम आगे के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी वृद्धि और दूसरे सेक्टर्स के बारे में।